आपको बता दें कि यह आग कैसे लगी, अभी इसकी जांच की जा रही है। शताब्दी एक्सप्रेस में ये आग लगी, गाजियाबाद स्टेशन पर ये आग लगी और ये ट्रेन आपको बता दें लखनऊ जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हुआ। शताब्दी एक्सप्रेस में ये आग लगी, पूरी जांच जारी है। आग बुझाने की कोशिश पूरे जोरों पर है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस में ये आग लगी और इस गाड़ी को लखनऊ जाना था लेकिन गाजियाबाद स्टेशन पर ये आग लगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से चारों तरफ धुआं नजर आ रहा है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। दीपक, आग कैसे लगी और जो उसमें सवारी थी उनकी क्या हालत है अभी? देखिए, ये लगेज बोगी है और सबसे पीछे का डिब्बा जो है लगेज का रहता है और शताब्दी एक्सप्रेस सुबह निकलती है और तकरीबन एक घंटे से ये वहां पर रुकी पड़ी है और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में अचानक धुआं उठते हुए देखा गया, जिसके बाद वहां पर दमकल कर्मियों को भी बुलाया गया है। दमकल की गाड़ियों को वहां पर रखा गया है और लगातार जो अभी दमकल कर्मियों से हमारी बात हुई तो अधिकारी का कहना है कि आग पर कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन जो धुआं काफी फैल रहा था क्योंकि बोगी के अंदर काफी सामान था और इस लगेज को बचाना मुश्किल था, इसी वजह से अब जो अब जला हुआ सामान है उसको बाहर निकाला जा रहा है दमकल कर्मियों के द्वारा। लेकिन ये कहा, अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि कोई इसमें झुलता है या नहीं, क्योंकि इसका अपडेट अभी तक नहीं आया, लेकिन सामान जो है काफी हद तक जला हुआ है जो लगेज बोगी के अंदर था। और आग कैसे लगी है इसका भी अभी तक आकलन नहीं हो पाया क्योंकि बोगी सुबह निकली थी, तो उसके बाद अब ये सब चीजें जो है जांच के दायरे में है। शुक्रिया दीपक।